नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति का प्रकोप भारत को झेलना पड़ रहा है, और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई हिस्सों में हम प्रकृति के प्रकोप को झेल रहे हैं। यानी कि मानव सभ्यता, मानव इतिहास ये कहता है कि पहले इतने प्रकोप नहीं झेले जाते थे। यदि हम अपने पुराणों को भी देखें तो वहाँ से इतने प्रकोप नहीं होते थे, वो दैत्यों के, दानवों के प्रकोप होते थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप इतने नहीं होते थे। और इतिहास में हमें इतने विभत्स तरीके से प्रकृति के प्रकोप देखने को नहीं मिले कहीं पर भी। जो मैंने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी, जितने भी, तो प्रकृति के प्रकोप ये मानव निर्मित हो गए हैं आजकल, क्योंकि जो भी अकाल हमने देखे हैं पिछले 100, 150, 200, 300 साल के इतिहास में हमने देखे हैं भारत भूमि पर, वो अंग्रेज़ों द्वारा षड्यंत्र के तरीके से रचे गए थे वो अकाल, और वो हमारे सामने आए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये प्रकोप झेले जा रहे हैं। और अभी हम पहाड़ों में हिमाचल का, जैसे जो वो लैंडस्लाइडिंग बाढ़ या उत्तराखंड का, या फिर इधर हम देखें तो वायनाड में जो हुआ है अभी लैंडस्लाइडिंग, तो ये सारे जो हुए हैं ये कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षा है धन अर्जित करने की ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर विकास को और प्रगति उन्नति के मार्ग पर लेके जाने का। तो ये जो विकास हम देख रहे हैं ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं विकास, ये आस्था से जुड़ा हुआ विकास नहीं है, ये आपको खजाने भरने वाला विकास लग रहा है। क्योंकि खजाने अगर आप भरना चाहते हैं विकास के नाम पर, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। प्रकृति अपना बैलेंस बनाने के लिए आपको नीचा दिखाएगी, ये नीचा दिखाने की बजाय कि वो ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रकृति से आप मुकाबला कर लें तो ये असंभव है, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बांध बना ले वो टूटेगा। क्योंकि प्रकृति का जब प्रकोप आएगा तो वो सब कुछ बहा करके लेके जाएगा, और ये हम पुराणों में भी देखते हैं। हालांकि पुराणों में हमारे ये उल्लेख नहीं मिलता कि वो बड़े बड़े बांध बनाते थे, वो छोटे छोटे बांध बनाते थे और पानी को डाइवर्ट करके, मान लो एक तालाब अलग से कृत्रिम तालाब बना करके, और नदी के पानी को वहाँ ले जाते थे और वहाँ संचित करके रखते थे, और उसी के आसपास फिर बस्तियाँ बसती थी। और आजकल हम देख रहे हैं कि नदियों के किनारे, हालांकि पहले से प्राचीन काल से ही हमारी सारी बस्तियाँ बसी हुई है, लेकिन वो नदियों को पानी रोक देते हैं, पूरी तरह से नदियों को ही रोक दिया और उन्हीं को समंदर के तरीके से बना देते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राकृतिक तरीका है, ना कि ये प्राकृतिक तरीका है, और ये हमारे धर्म के आधार पर भी नहीं है। ये तो धर्म ये कहता है कि आप नदियों को, नालों को ना रोकें, क्योंकि उनका अपना वेग अलग होता है, उसकी अपनी प्रकृति अलग होती है, उसमें प्राकृतिक जीव जंतु अलग होते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है, उसके पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो भी संभावना उसमें जो होती है या पनपती है या भविष्य या उसका हो चुका होता है, वो एक प्रोसेस होता है उसका, कि वो हर साल जब पहली बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो वो उसमें से जो गंदगियाँ होती है जो निकल के वो बहा करके ले जाती है उसको, उसके बाद जो आता है पानी तो वो फिर वो बाढ़ के तरीके से आता है, और लास्ट में वो फिर वो धीरे धीरे वो करके अपना फिर वो पानी भरा रहता है उसमें। तो ये यदि आप उसको बाढ़ को यदि रोकने का प्रयास करेंगे या उसके रास्ते में रुकावट आएगी तो फिर वो सैलाब बन जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये देखी जाती है कि हम पानी को रोकने का गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, जबकि आप प्रति भूमि जितनी भी है, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि आप खाली स्थान पर उसको, जैसे तालाब जितने भी हम अगर देश में देखें प्राचीन तालाब, कुएं, बावड़ी, तो वो सब वही माध्यम है कि वो कृत्रिम तरीके से बनाए गए तालाब है ज़्यादातर, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो देश के, तो वो बना करके और उसमें नदियों का पानी डाइवर्ट किया जाता है, या फिर जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ से पानी को ला करके उसमें संजोया जाता है, यानी प्राकृतिक तरीके से वो पानी वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो हर साल उन तालाबों को आपको चाहिए कि उस तालाब को गहरा किया जाए, उसके आसपास की मिट्टी या अंदर की मिट्टी को निकाल करके गाद को उसको गहरा किया जाए, क्योंकि बारिश का पानी आएगा तो वो मिट्टी अपने साथ जरूर लेकर के आएगा, तो उस मिट्टी को निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन बजाय उसके आप सीधा बांध बना देते हैं, तो ये एक प्रकृति का प्रकोप फिर झेलने की तैयार हो। दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में हम देखते हैं कि जो पहाड़ धसकते हैं, तो इस पहाड़ धसकने का वर्तमान, पहले इतना नहीं होता था, ये
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 100 साल, 150, 200, 300 साल पहले तक ये बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं, जितनी भी घटनाओं को हम देखते हैं, तो पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले पेड़ पौधे बहुत होती थी और पहाड़ों पर घास अच्छी खासी होती थी, तो जड़ें उसकी मजबूत जकड़ के रखती थी पहाड़ों को, तो ये प्रकृति का अपना एक संतुलन बनाने का तरीका होता है। आज भी हम अगर मैदानों में देखें, यदि घास कम है तो वो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है बारिश के मौसम में, और वो पानी भर जाता है और ये पानी उसको बहा के ले जाता है मिट्टी को। तो जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता, ये समस्या हमें खेतों में भी मिलती है देखने को। तो ये रही बात, तो पहाड़ों में क्या होता है कि जब आजकल जितना भी हम विकास देख रहे हैं, तो पहाड़ों में जब रास्ते बनाए जाते हैं, अभी सिंगल लेन का बनाने के बजाय वो डबल का भी लगाने लगे, चौड़ा रास्ता करने लगे हैं और बड़े आलीशान तरीके से रास्ते बनाते हैं कि आप अब 1 घंटे का रास्ता आप 20 मिनट में तय कीजिए, 10 मिनट में तय कीजिए, तो ये जो आप दावे करते हैं उस दावे को आप प्रकृति के साथ जोड़ करके नहीं देखते, आप विकास के साथ जोड़ करके देखते। तो विकास को आप प्रकृति के साथ यदि आप जोड़ेंगे तो आपको 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे में भी यदि तय होता है तो आप मानकर चलिए कि आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं। यदि आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप भीड़ को, मैदानी इलाके की भीड़ को यदि पहाड़ों पर आप भेज रहे हैं अय्याशी करने के लिए, तो फिर वो आप प्रकृति से नहीं जोड़ रहे हैं, आप उनको फिर वो अय्याशी से जोड़ रहे हैं और आप फिर वहाँ पर विकास के साथ जोड़ रहे हैं, पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं। तो पहाड़ जितने भी है वो पर्यटन का माध्यम नहीं है, पर्यटन का माध्यम एक मैदानी क्षेत्र आप बना दीजिए उसको जितना भी बनाना है, लेकिन आप पहाड़ों को पर्यटन का माध्यम मत बनाइए। यदि हम जब भी जाते हैं, मैं भी जब भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, उत्तराखंड भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ पर पर्यटन के माध्यम से नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पर आध्यात्मिक शांति के लिए गया हूँ, आध्यात्मिक खोज के लिए गया हूँ, या फिर वहाँ पर मैं शांति, मानसिक संतुलन, मानसिक शांति, थोड़ा संतुलन बनाए रखना हो, या इस तरीके की यदि हमें शिक्षा लेनी है वहाँ पर, या कुछ वहाँ पर शांति स्थापित करनी है अपने अंदर, तो वो उसके लिए आपको जाना चाहिए। तो वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपको 1 घंटे का रास्ता अपने 10 मिनट में या 20 मिनट में तय करना है, तो आप वहाँ पर आराम से जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप पहाड़ों में पैदल भी जाएं आप, तो वो आपको बहुत आनंद आएगा इतना, तो आप चाहे वो 1 घंटे का रास्ता 1 दिन में तय करें आप, तो वो भी एक आनंदित करने वाला रास्ता हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पौराणिक और धार्मिक, जितने भी धर्म स्थल जितने भी अब है उत्तराखंड में या हिमाचल में, तो उन सब पर अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हैं लोग, और अपनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर के जाना चाहते हैं अब, और वो फिर वहाँ पर उल जलूल हरकतें करना, या अभी हम केदारनाथ गौरीकुंड में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक अय्याशी का अड्डा बना दिया है वहाँ पर, और दारू की बोतलें, बियर की, शराब की बोतलें वहाँ पर मिली हैं, और एकदम बुरी तरीके से उसको पर्यटन के तौर पर मतलब उन्होंने विकसित करके रखा सरकारों ने। तो ये धन कमाने का विकास का माध्यम, विकास को माध्यम मत बनाइए आप, क्योंकि अगर आप रास्ता जब बनाते हैं पहाड़ों में, तो हम देखते हैं कि वो बारूद लगा करके जब उसको एक पहाड़, एक जो भी पहाड़ है, तो उस पहाड़ के साइड में यदि आप रास्ता बनाते हैं, तो उसको अगर आप बारूद लगा करके उड़ाएंगे और पत्थरों को काटेंगे और उसमें से रास्ता नीचे से निकालेंगे साइड से, तो क्या होगा कि वो सिर्फ उतना हिस्सा तो निकल जाएगा आपका, वो आपके सामने उस टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि पूरा पहाड़ हिल जाता है और वो हिलने के कारण उसमें जब दरारें आ जाती है, तो वो विशाल पहाड़ होता है, आपको लगता है कि रास्ता बन के तैयार हो गया, लेकिन वो विशाल पहाड़ है वो कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का अगर बाल बराबर भी उसमें दरार आ गई, कुछ क्रेक आ गया उस पहाड़ में, तो जब बारिश का मौसम आएगा, तो वो बारिश के मौसम में उसमें पानी, जब बारिश मूसलाधार लगातार जब बारिश होती है पहाड़ों में, तो वो पानी धीरे 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 उसके किसी न किसी हिस्से में रिसता रहता है, और जब वो अंदर तक चला जाएगा, तो अंदर गहराई तक उसमें हम देखते हैं कि उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं पहाड़ों में, उनकी जड़ें इतनी गहराई तक नहीं होती, और वैसे भी पहाड़ जो होते हैं तो अंदर से गीले होते हैं और उनमें पानी होता है, तो क्योंकि झरने जो पहाड़ों से फूटते हैं वो यही माध्यम है उनका, तो वो पहले से ही गीले होते हैं, आपने उनको हिला दिया और उसके बाद जब उसमें दरार पड़ गई और बारिश का पानी जब उसमें घुसेगा, तो फिर वो एकदम धंसेगा पहाड़, और वो एकदम से स्किड करता हुआ नीचे फिसलता हुआ आएगा, पूरा पहाड़ पत्थर आएंगे, तो फिर उसके बाद आप कहोगे कि वहाँ पर स्लाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और नुकसान हो गया, और ये इतना नुकसान हो गया उतना, आप नुकसान को
मानवीय नुकसान को आप, मशीनी नुकसान को आप झेल सकते हो, लेकिन प्रकृति के नुकसान को आप नहीं झेल पा रहे हो, क्योंकि प्रकृति का नुकसान जो है वो आपको दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ ये दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना सा चीज़ दिख रही है कि वो पहाड़ धस के नीचे आ गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक पहाड़ जो लाखों करोड़ों वर्ष से जो अडिग खड़ा था, आपने उसको डिगा दिया और आपने उसको हिला दिया, आपने उसको गिरा दिया, यानी कि एक ऐसी प्रकृति का आपने नुकसान कर दिया जिसको कि देवी देवता जिनकी पूजा करते थे, देवताओं से पहले, यदि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये देवताओं से पहले प्रकृति को मानूंगा, क्योंकि प्रकृति ही असली देवता है। तो यदि आपको धर्म का ज्ञान होगा, अध्यात्म की जानकारी होगी और आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म से आप दिल लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, आप दिमाग लगा करके सोचेंगे, दिल लगा करके, तो आपको ज्ञात होगा कि आपको जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब पहाड़ों पर ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर अध्यात्म होता है, वहाँ पर संस्कृति भी यदि वहाँ पर बसती है तो वो अध्यात्म के तरीके से बसती है। तो वहाँ पर जो निवासी हैं पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी निवासी, मुझे याद है कि सन में 90-92 में हिमाचल गया था, तो हिमाचल के किन्नौर के तक मैं पहुँचा था जब मैं बहुत छोटा था, तो उस टाइम मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जिनके घर मैं गया था, वहाँ रुका था मैं 3 दिन, तो वहाँ के जो अंकल जी थे उनसे मेरी, मेरे मित्र के पिता जो थे उनसे मेरी काफ़ी देर बहस होती थी, तो बात होती थी, तो वो ये कहते थे कि यहाँ पर रास्ते नहीं बनाने चाहिए, और जो पैदल के रास्ते हैं, जो आजकल मोटर बाइक के जो रास्ते बन गए हैं, वो रास्ते जो हमारे गांव तक आ गए हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये उस टाइम भी वो बताते थे क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो जाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा हमारा, हमारे पेड़ पौधे दरकने लगेंगे, हमारे पेड़ कम होने लगेंगे। तो ये आज से करीब 50-40 साल, करीब 30-35 साल पहले ये बात होती थी, और आज तो ये कंडीशन है कि हर एक गाँव में, पहाड़ों के हर एक गांव में सड़क पहुंच गई है। तो ये एक गंभीर समस्या है, और जिनको धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ विकास के रास्ते पर जाना है और बारूद लगा करके पहाड़ों को तोड़ना है और रास्ते बनाना है, तो आपको फिर वो नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप प्रकृति का नुकसान मत कीजिए, आप मानवीय नुकसान, मशीनी नुकसान जितना हो सकता है उतना कर दीजिए, आपका समय का नुकसान जितना हो रहा है उससे आपको लाभ ये होगा कि आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। यदि 1 घंटे का रास्ता, आज जो 1 घंटे का मोटर बाइक का या सड़क का रास्ता है, उसको अगर आप 10 घंटे में भी तय करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप उसमें, पहाड़ों में, उस अध्यात्म की तरफ आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा आत्मीय शांति और शारीरिक शांति मिलेगी। लेकिन क्योंकि वो जेब खर्च आजकल लोगों के ज़्यादा हो गए हैं और पैसे ज़्यादा हो गए हैं, तो वो अधिक से अधिक इसका लाभ लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक वो समय वहाँ पर बिताने के बजाय कम समय बिता करके और वहाँ पर वो अय्याशी करके और लौटना चाहते हैं वापस। तो ये इसके खामियाजे हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये वायनाड में भी हमने देखा कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग इसीलिए हुई वहाँ पर क्योंकि उसकी पहाड़ों, उन्हीं उसी पहाड़ के पीछे की तरफ जो खबरें हैं वो उसके हिसाब से कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जहाँ पर हुई है उसके पीछे की तरफ जो खदानें चल रही थी वहाँ पर गैरकानूनी तरीके से लोग खदानें चला रहे थे और वहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल के पहाड़ों के और कुछ लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने बारूद लगा करके उड़ाना, क्योंकि वहाँ पर बारूद लगाना भी आसान है, क्योंकि वहाँ पर बारूद का, इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकारें उनकी अपनी, चाहे वो आज किसी की भी सरकार हो, तो कोई सुनने वाला नहीं है, प्रकृति की कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि मनुष्यों की कोई सुन नहीं रहा। तो ये सब एक नतीजा, यदि हम ये कहें कि आज जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वहाँ पर वायनाड में और जो नुकसान हुआ है, जो लोग मरे हैं, तो वो बेमौत मरे हैं, अपनी मौत मरे हैं, और उनके साथ जो होना था वो हो चुका। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ऐसी आपदा है जो उन्होंने स्वयं बुलाई है, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, तो क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। बेशक कि जो ऐसे लोग मारे गए जिनका वहाँ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे या सरकार के विरोध में या सरकार का विरोध नहीं किया उन्होंने, तो ये उनको खामियाजा स्वयं भी भुगतना पड़ा। तो ये हमारे हर एक पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्या आ रही है और मैदानी इलाकों में भी ये ज़्यादातर आ रही है। तो क्योंकि जो व्यक्ति या जो समाज, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते, उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ता है और एक नए दिन हमें भी भुगतना ही पड़ेगा।
तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।